हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। आज हम क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री का जो है पूरा बीएसयू जो बीएससी में जो भी केमिस्ट्री सेक्शन आता है उसमें जो 150 क्वेश्चन होते हैं, 50 फिजिक्स के, 50 बायोलॉजी के, 50 केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री जो होता है मैथ और बायोलॉजी में कॉमन होता है, तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है क्या है, एमएन द फॉलोइंग रॉन्ग एक्सप्रेशन। इसमें से चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में कौन गलत तरह से लिखा गया है वही हमें बताना है। तो जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें कोई गैस जो होता है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अभी तक कोई आइडियल गैस नहीं खोजी गई है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वैल्यूम वो वैल्यूम होते हैं जिसमें कोई गैस आइडियल गैस का बिहेव करती है। तो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल टेम्परेचर जो होता है ए बाई आर बी होता है, जबकि हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है बी बाई ए आर, उसे आप सॉल्व कर दें, मतलब यही पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। क्रिटिकल टेम्परेचर सही है, क्रिटिकल वैल्यू सही है। अगर इन चारों को याद रख सकते हैं तो आप चार क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर उसने पूछा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है तो आप देख लीजिए ए बाई आर बी, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, तो आप एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें गलत कौन है, बॉयल टेम्परेचर जिसमें होता है ए बाई आर बी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं, ये था जिनका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया, थर्मोडायनेमिक्स और चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है, डेल्टा एस दिया गया है, डेल्टा एस दिया गया किलो जूल पर मोल इनवर्स, और दिया गया हमें डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है यहाँ पर एंट्रोपी है, वो दिया गया 0.0109 किलो जूल मोल इनवर्स। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अगर डेल्टा एस दिए, टेम्परेचर पूछ रहे हैं, वह टेम्परेचर बताइए जिसपे डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी जीरो मतलब कि जो रिएक्शन हो इक्विलिब्रियम में हो। तो हम कैसे करेंगे, सबको एक फॉर्मूला होगा डेल्टा जी बराबर आपने पढ़ा होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखो मैं क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहा हूँ, द टेम्परेचर एच विद लिक्विड वाटर विल बी इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर, मतलब वह टेम्परेचर बताइए जिसपे गैस इक्विलिब्रियम में हो, तो वही टेम्परेचर में बताना है। इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा जी हम अगर जीरो करते हैं तो हो जाएगा डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। तो हमें पूछा क्या है, टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर और डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, डेल्टा एच कितना है 40.73 और डेल्टा एस कितना है टी बराबर डेल्टा एच बाई एस कितना है 1190। अगर इसे हम किलो जूल को मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि अब जैसे 0.109 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा जूल। तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने क्या आएगा, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आएगा 37.3। अब हम यहाँ पर डिवाइड इसे ही कर रहे हैं क्योंकि हमें जैसे इसमें आप निकाल लेंगे पता चल जाएगा। अब इस यहाँ पर डिवाइड टाइम कम इसमें डिवाइड आप डिवाइड करके देख सकते हैं। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में भी वही दिया है, चार ऑप्शन दिए हैं, पूछा गया इसमें कौन सा रॉन्ग एक्सप्रेशन है, मतलब कौन गलत है। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इसमें क्या क्या दिया गया है, के पी बराबर के सी पी डेल्टा एम, डेल्टा जी बराबर डी क्यू बाई डी टी, सी पी बराबर इसमें पूछा कौन रॉन्ग तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। तो जैसे कि इसमें डेल्टा जी बराबर जेड आर टी एन पी, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे कि एंट्रोपी बराबर होता है हीट बटे टेम्परेचर, ये भी सही है, हीट केमिस्ट्री का ये भी सही है। तो आप गलत कहते हैं, जैसे इसमें के पी बराबर क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने अगर इक्विलिब्रियम में देखा के पी बराबर होता है के सी आर टी डेल्टा एम,
जहाँ केसी जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, केपी जो है गैस कांस्टेंट, केपी जो है आयनाइजेशन गैस कांस्टेंट है, और इसमें जो टी है टेम्परेचर है, और डेल्टा एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये वाला इसमें क्या दिया, ये वाला केसी पी डी एन टी डेल्टा एन दिया गया, मतलब यही गलत है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें क्या पूछा क्या गया है, ऑल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन डायल्यूट एसिड सपोर बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड द गैस इवॉल्व एट द एनोड एट कैथोड। अगर जब किसी डायल्यूट H2SO4 का हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एनोड और कैथोड में कौन सी गैस निकलेगी, इन्होंने यही पूछा है। तो कैसे हम करते हैं, H2SO4 अगर इसे हम हीट करते हैं तो यहाँ पर H और ऐसे SO4 माइनस निकलेगा। डायल्यूट का है मतलब यहाँ पर H2O भी होगा, ठीक, H2O को हीट करते हैं हम लोग, प्लस OH माइनस। तो फिर अब यहाँ पूछा एनोड पे कौन जाए, एनोड पे जो जाता है एनायन जाता है, कैथोड पे कैटायन जाता है। तो पूछा है इसमें एनोड और कैथोड पे कौन निकलेगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता था नहीं रिडक्शन पोटेशियम, रिडक्शन पोटेशियम सीरीज होती है, जैसे कि सबसे ज्यादा लिथियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है। आपको रिडॉक्स में वहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई जाती है, वहाँ पर दिखाया था किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है किसका ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा सबसे पहले वही एनोड पे जाएगा। तो दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है तो मतलब हाइड्रोजन जाएगा, एक गैस हाइड्रोजन बन जाएगी। अब आपको SO4 और OH माइनस में देखना है कि इन दोनों में से कौन जा सकता है। तो OH माइनस SO4 में OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए कैथोड पे OH माइनस जाएगा। तो OH माइनस अगर हम ऐसे करते हैं तो मतलब O2 गैस निकलेगा और H2O, तो मतलब कि हमारा जो ऑप्शन होने वाला है, जिस ऑप्शन करेगा जिस H2SO4 का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2+O2 गैस निकला है एनोड पे, H2 एनोड पे, O2 कैथोड पे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यह है एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी लॉ। अनसर्टेनिटी लॉ हाइजेनबर्ग ने दिया था, क्या किया है क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन है इफ पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल हो जाए, पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगी। हाइजेनबर्ग लॉ क्या होता है, डेल्टा एक्स जहां अनसर्टेनिटी पोजीशन है, डेल्टा पी जहां अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, बराबर NH/4π। एच जहां है, एच जो है यहां पर क्या प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6×10⁻³⁴ जूल सेकंड। तो पूछा है कि अगर मोमेंटम जो हो पोजीशन के इक्वल हो जाए तो वेलोसिटी में क्या क्या मतलब वेलोसिटी से क्या लेसन रह जाएगी। तो ठीक है हम करते हैं डेल्टा एस को मोमेंटम मोमेंटम बराबर डेल्टा एस मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, फिर NH/4π। हमें वेलोसिटी में पूछा है तो हम पोजीशन इक्वल करते हैं मास इनटू वेलोसिटी के, क्योंकि हमें मोमेंटम और पोजीशन दोनों सेम कर दिया, इन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट किया है। ठीक है हम कर देते हैं NH/4π। तो फिर अगर यहाँ पर हमें बी निकालना है, बी स्क्वायर हो जाएगा अपान NH/4π² देन बी बराबर NH/√1/2m। तो m यहाँ पर 4π हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ खास किया नहीं, बस मैंने क्या किया सिवाइडर रूट लिया है, यहाँ पे NH/π हो जाएगा, यहाँ पर 2m तो NH/π, तो 1 मोल ले लिया है। तो फिर आपका ये क्या, ये चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में किसी भी हमको अंदर कर दिया बाहर कर दिया, तो आपको सीधे क्या करना है,
मोमेंटम को वेलोसिटी के मोमेंटम को जो पोजीशन इक्वल करना है, मोमेंटम और मास टू वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का मतलब 2π/2m / √π। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है यही होगा, इसमें ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन अच्छा था इसमें, बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना था। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई एक आइटम ए एंड बी आइटम है, इन्होंने लिया कोई ए बी आइटम है, उनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स पी जो है 1.5 है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 1.5 देन परसेंटेज ऑन एनी कैरेक्टर ऑफ ए बी अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने इन्होंने कहा कि अगर कोई आइटम ए एंड बी उनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 1.5 है तो परसेंटेज आनी कैरेक्टर बताना है, परसेंटेज आनी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। कभी भी किसी आइटम अगर हमें इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस पता हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्या 16.5p प्लस 3.5p स्क्वायर, मतलब यहाँ p जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है, तो 16.5p है कितना 1.5 प्लस 31 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में 32 है, मतलब इन्होंने अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 32, क्योंकि हमें इधर पहले ही लिखे अप्रॉक्सीमेट तो 32 आ रहा है, 31 आ रहा है, मतलब 32 इसके अप्रॉक्सीमेट सही है। हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप पास होगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अमीटर चलते हैं, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट कितनी दी है, -328 किलो जूल, देन एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, देन एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। इन्होंने क्या क्या, अगर किसी बोहर ऑर्बिटल की सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी -328 है तो फोर्थ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, ई एन बराबर, अभी इनकी बात मान लेते 3.28 Z² / N² हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो जेड स्क्वायर वन हो जाएगा, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, तो हम देखते हैं एन स्क्वायर। इन्होंने कहा सेकेंड आर्बिट के लिए आता है -328, तो देख लेते हैं सेकेंड आर्बिट मतलब 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, तो चाहते हैं 12, हाँ तो सेकेंड आर्बिट के लिए 328 आ रहा है, इन्होंने दिया भी 328 दिया है, हमें निकालना किस आर्बिट के लिए, फोर्थ आर्बिट के लिए, हम यह बराबर 4 कर देंगे, 4 रखेंगे तो 16 एन स्क्वायर में अगर 4 रखेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 मतलब हाँ 8 बज जाएंगे 128। तो 16 × 32 हाँ, अगर फोर्थ आर्बिट के लिए करेंगे तो 82 किलो जूल हो जाएगा, अगर थर्ड आर्बिट के लिए इन्होंने दिया है तो ऐसे निकालेंगे इसका। अगर आपको सिंपल सा क्या है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 13.2 किलो जूल अपान जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर थर्मोडायनेमिक्स के हैं, इन्होंने क्या कहा है, एंट्रोपी फॉर्मेशन X2 Y2 XY3 60 40 50
इन्होंने क्या है कि कोई एक्स टू गैस है कोई ओ टू है के एक्स ओ थ्री, इनकी जो एंट्रोपी फॉर्मेशन है दिया गया है, इन्होंने ऐसे इतना दिया है और फिर एक रिएक्शन दिया है। अभी ये सब क्वेश्चन ही है, हाफ एक्स टू प्लस थ्री बाई टू वाई टू गिव्स आउट बराबर एक्स वाई थ्री दिए हैं। इसके बाद इन्होंने डेल्टा हीट एच दिया है, डेल्टा एच कितना दिया माइनस थर्टी जू किलो जू। अब कहे हैं कि आप ये बताइए, अब क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर्मेशन ऑफ एक्स टू वाई टू एंड एक्स वाई थ्री रिस्पेक्टिवली 60, 40 and 50 जूल किलो पर मोल इनवर्स द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इन्होंने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा है, कोई ये रिएक्शन है पूछा है इक्विलिब्रियम में इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो हम क्या करें, पहले हम टेम्परेचर पर अगर हम एंट्रोपी पता कर लेते हैं हमें काम चल जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी हमने क्या है तीनों गैस, अगर हमने एक गैस का तीनों मतलब पूरी रिएक्शन की एंट्रोपी पता चल जाए, जैसे इन्होंने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एंट्रोपी दी है, अगर हमें पूरे वो रिएक्शन की एंट्रोपी पता चल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि क्या होगा टेम्परेचर। कैसे निकालेंगे फुल रिएक्शन की, एक्स में आउट कितना है हाफ 60 दिया है प्लस थ्री टू वाई टू कितना है 40 है, एक्स वाई थ्री कितना है 50, तो 30 प्लस 50 हो जाए, इधर हो जाए 50 90 बराबर 40, तो अगर ये 40 इधर आए इधर जाएगा तो बाय हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट इधर प्रोडक्ट ये है ना, हाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस 50 आएगा, सॉरी इधर 50 है तो माइनस 40 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो माइनस 40 आ गया, मतलब हमारा जो डेल्टा एस आ गया माइनस 40, जबकि डेल्ट हमें पता होगा डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, हमें निकालना क्या है डेल्टा टी बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, तो डेल्टा एच कितना है 30 किलो जूल, 30 किलो जूल जूल, और यह समय कितना पता है डेल्टा एच हमें दिया गया, और हमें डेल्टा एच हमने कितना निकाला है यह समय निकाला है 40 निकाला है, ठीक है निकालते हैं 750 आएगा। अगर आप 750 मतलब कि ये जो 750 टेम्परेचर है इस टेम्परेचर में जो गैस होगा इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब डेल्टा इस ये वही टेम्परेचर है जिसके डेल्टा जी जीरो रहेगा, डेल्टा जी जो है गिब्स एनर्जी है, गिब्स एनर्जी। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसमें हमें एक रिएक्शन को पर्टिकुलर रिएक्शन पहले एंट्रोपी निकालना था, फिर एंट्रोपी से फिर हमें वो टेम्परेचर निकालना था जिसपे गैस जिसपे ये गैस जो हो इक्विलिब्रियम में हो। थर्मोडायनेमिक्स अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है कुछ टिपिकल नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई एक एसिड है, इन्होंने कोई एक एसिड दिया है, द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द डिग्री ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एज बीइंग बेस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप सॉल्ट एसिड एज बीइंग बेस गिवन, तो उसके लिए ना अल्फा पूछ रहे हैं, अल्फा क्या होता है एनजीएसन, मतलब कि जो किस कोई सॉल्ट है वीक एसिड उसको वीक एसिड और वीक बेस का बना है तो उसका एनजीएसन कितना होगा, तो उसे कैसे लिखेंगे, तो अगर हम कैसे पता करते हैं किसी भी एसिड वीक का, अगर बी एसिड होता तो हम लिखते हैं आपको बराबर हाइड्रोसिस का के डब्ल्यू बराबर के डब्ल्यू बाई के, अगर ये बी एसिड होता, अगर बी बेस होता अब इन्होंने कहा बी एसिड बी बेस है तो सिंपल दोनों को मिला देते हैं, बस यही था आपको कि इसमें कितना आयनाइजेशन हो रहा है, अगर बी के एसिड बी बेस है, यहाँ के डब्ल्यू जो है वाटर वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट है, के है एसिड कांस्टेंट है, बी जो है बेस कांस्टेंट है,
तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसका इन्होंने तीन कई सारे एक्सप्रेशन दिए हैं, उसमें ये वाला एक्सप्रेशन सही होगा क्योंकि ऑब्जेक्शन करने पे ये फॉर्मूला बन रहा है। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा, ये भी फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। इन्होंने क्या कहा है कि अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं इन चारों में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, मतलब पेनिट्रेटिंग पावर के ऑर्डर, मतलब पेनिट्रेटिंग मतलब भेजने की क्षमता को अरेंज करिए ऑर्डर में। इन्होंने चार ऑर्डर बनाया तो हमें क्या करना है, जो गामा रेज होती है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है तो हम सबसे ज्यादा आगे क्या करते हैं, गामा रेज ही करते हैं। सबसे ज्यादा गामा रेज की होती है, इसे आपको याद करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर सबसे कम इसका होता है न्यूट्रॉन का। पेनिट्रेटिंग मतलब ऐसे अगर पेनिट्रेटिंग पावर मतलब इसीलिए हम कहीं किसी चीज को भेजने और देखिए स्ट्रॉन्ग चीज भेजने के लिए गामा रेज यूज करते हैं क्योंकि गामा रेज जो है काफी पेनिट्रेटिंग पावर बीटा से 1000 गुना ज्यादा होता है और अल्फा से 10000 गुना ज्यादा होता है। आपको ये सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम से है, इसमें क्या दिया है, क्या दिया गया है यस एमएन यस यफी यस जडेन यस एचजीएस, चार कंपाउंड दिए गए हैं और चारों के लिए उन्होंने केएसपी दिया है। केएसपी मतलब सॉल्वेंटी प्रोडक्ट, केएसपी दिए हैं चारों के लिए। पहले एमएस के लिए कितना दिए हैं, 10^-15 और एमएस के लिए कितना दिए, 10^-23 और जेएस के लिए हैं 10^-20 और एचजीएस के लिए दिए हैं 10^-15। अब इनका क्वेश्चन ये है, इन्होंने सबको दिया, अब पूछ रहे हैं सोल्यूशन में सबसे ज्यादा सबसे पहले पेसिपेट कौन बनाएगा, इन चारों में अगर रिएक्शन कराया जाए, इनकी केएसपी दे दिए हैं, केएसपी मतलब सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो सबसे ज्यादा पेसिपेट कौन बनाएगा, मतलब जिसकी सॉल्वेबिलिटी सबसे कम होगी सबसे ज्यादा पेसिपेट पहले बनाएगा। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, अगर हमें सबकी सॉल्वेबिलिटी पता चल जाए, सॉल्वेबिलिटी पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कौन जो सबसे कम सॉल्वेबल होगा वही सबसे पहले पेसिपेट बनाएगा। तो हम सॉल्वेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मान लो अगर ए बी टाइप का सामान ए बी टाइप के हैं तो ए बी टाइप के लिए के एस पी बराबर होता है एस स्क्वायर, तो एस बराबर सॉल्वेबिलिटी हो जाएगा के एस पी का अंडर रूट। अगर हम सबका अंडर रूट निकाल ले, जैसे 15 का 16 मान ले, सपोज हम ये मानते हैं, हम जैसे में निकाल पहले निकालते हैं एस बराबर अंडर रूट 16 का 10^-16 कितना हो जाएगा 10^-8। अगर इसको हम 23 को 24 मान लें, इसलिए मान लें क्योंकि हमें अंडर रूट निकालने में आसानी हो जाएगा, कोई ऐसे हार्ड या फास्ट रूल नहीं, हम 10^24 कर देंगे जिसका आ जाएगा 10^-12 और इसका 20 को 20 रह रही क्योंकि 10^-20 हो जाएगा 10^-10 10^-14 का हो जाएगा अंडर रूट निकाल के 10^-20 के। अंडर रूट क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये भी टाइप है, ये भी टाइप के लिए केएसपी वाला होता है एस स्क्वायर, तो इसका हो गया 10^-20 है, मतलब सबकी सॉल्वेबिलिटी अलग होगी। तो पहले की सॉल्वेबिलिटी कितनी है, इसकी सॉल्वेबिलिटी 8 है, 10^-8 है, इसकी सॉल्वेबिलिटी 10^, इसकी सॉल्वेबिलिटी हम ये केएसपी दे दिए हैं और हम सॉल्वेबिलिटी यहाँ पर निकाले, इसकी सॉल्वेबिलिटी 10^-8 है, इसकी जो है 10^-12 है, इसकी जो है 10^-10 है, इसकी जो है 10^-28 है। तो सबसे कम सॉल्वेबिलिटी कितनी हुई, किसकी हुई, सबसे कम सॉल्वेबिलिटी उसकी होगी 10^-20 मतलब इसकी सॉल्वेबिलिटी और सबसे कम है, जितना माइनस है उसकी सॉल्वेबिलिटी उतनी कम है। तो आसान आता है एचजीएस, मतलब एचजीएस की सबसे कम सॉल्वेबिलिटी कम है, एचजीएस की सॉल्वेबिलिटी सबसे कम है तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट को बनाएगा एचजीएस।
जिसका ऑप्शन दिखोगी जहाँ रहे एच जी एस जहाँ रहे हो सही हो जाएगा। इसमें क्या था आपको सॉल्वेबिलिटी कोडर दिया गया था, सॉल्वेबिलिटी निकालते हैं इसके बाद आप बना सकते कौन पेसिफिकेट कौन पहले बनाएगा। क्वेश्चन सिंपल है बस इसमें समझाया मेरे टाइम से बाकी एक दस ही ज्यादा टाइम नहीं लेते मेरे क्वेश्चन है बस बहुत बड़ा है क्वेश्चन काफी बड़ा लिखा हुआ है इसलिए लग रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई रिएक्शन की इन्होंने क्या दिया है, कोई रिएक्शन दिया है CaO प्लस SiO2 इसके बाद क्लोराइड बनाते हैं CaSiO3। अब पूछ रहे हैं ये काफी सिंपल क्वेश्चन है इसे पूछ रहे हैं CaO क्या है SiO2 क्या है मतलब ये एसिड है बेस है कौन बेस है कि एसिड है क्या है सिंपल क्वेश्चन है। इसमें चारों ऑप्शन में कहीं लीजिए कैसे लिए CO में जा लेते हैं एसिड है एक जा लेते हैं बेस दूसरे ऑप्शन में बेस है कि एसिड है तो आप सीधे जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्या है कैल्शियम जो है एल्कली मेटल है एल्कली हर्ट मेटल है इसके ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं तो ये हो गया बेस और SiO2 जो है एसिड है यही सिंपल है। इसमें एक क्वेश्चन एक बता रहा कौन बेस है कौन एसिड है सिंपल क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है इन्होंने डाइबोरेन पूछा है B2S6 के बारे में पूछा डाइबोरेन इसी को डाइबोरेन कहते हैं पूछे डाइबोरेन में कितने कोवेलेंट बांड हैं कितने बनाना बांड हैं तो कैसे करेंगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो हम स्ट्रक्चर बताते हैं ये हो गया डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। डाइबोरेन में चार कोवेलेंट बांड है और दो बनाना बांड इसका शेप बनाना जैसे लगता है इसलिए इसे बनाना बांड कहते हैं। इसमें पूछा है B2S6 में कितने कोवेलेंट बांड कितने बनाना बांड है तो मतलब चार कोवेलेंट बांड है जो हाइड्रोजन साथ है और दो बनाना बांड है ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये अब हमारा बोरान फैमिली था पी ब्लॉक से। अगला क्वेश्चन ये है आपका मेटलर्जी से मोनोड प्रोसेस बेस्ड ऑन फॉर रिफाइनिंग इन्होंने चार ऑप्शन दिया है क्या क्या दिया आयरन दिया है जिंक दिया है क्रोमियम दिया है निकल दिया है। पूछे हैं कि मोनोड प्रोसेस किसके रिफाइनमेंट होता है तो इसलिए तो क्वेश्चन को समझाया गया है आपको सीधे याद रखना है आप अगर सभी देख तो उसमें साफ लिखा गया मोनोड प्रोसेस जो है निकल के रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। निकल ये जो है मेटलर्जी में जब निकल के प्रोसेसिंग करते हैं जब निकल हमें मेटल लेना होता है तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है मोनोड उसी थ्रू हम यहाँ पर निकल के प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन इसे आपको याद ही रखना है इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसका आंसर हो जाएगा निकल। अगला क्वेश्चन क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज वी शेप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज वी शेप इन्होंने चार ऑप्शन दिए उसमें पूछा है कौन सा वी शेप किसका शेप भी है एक हो गया SiF2 दूसरा हो गया H2O थर्ड हो गया CO2 फोर्थ हो गया NO2O जी CO2 का शेप लीनियर होता है क्यों होता है क्योंकि हाइड्रोजन SP होता है SiF2 का शेप लीनियर होता है कैसे निकालते हैं इसका हाइड्रोजन SH3 में सिंपल है X3 PF
तीन एक्सी के पहले सिलेक्टर में एट होते हैं, मतलब तीन लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर मतलब फाइव एस पी थ्री डी। एस पी थ्री डी में अगर तीन लोन पेयर होते हैं तो उसका शेप होता है लीनियर, इसका शेप होता है लीनियर। ये एस टू ओ का शेप भी होता है, कैसे होता है, ओ एच एच एक लोन पेयर है, इसका सेल देखो बी जैसे नहीं बन रहा है, इन्होंने पूछा कि इसका सेल बी है तो वो सेल बी हो गया। इसमें क्या रहा हाइड्रेशन निकाल के पता करो, से एस टू का हाइड्रेशन कितना क्या होता है एस पी थ्री, ये आपका था केबल बॉडी से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछे हैं कि हुई ज्यादा फॉलोइंग आर्ट्स ऑफ ऑप्टिकल ऑप्शन सिस्टम, नॉट सो ऑप्टिकल आइसोलेशन, चार ऑप्शन दिए इसमें पूछ रहे हैं कौन ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोलेशन नहीं शो कर रहा है। पहला क्या है, सेकंड जो है प्लस वन, थर्ड है क्वाड्रेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, उसमें आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बारे पूछा है, तो ए बी थ्री टाइप जो भी हो, अगर यहाँ ये जो है हमारा सेंटर आइटम है, जैसे यहाँ कोबाल्ट क्रोमियम, यहाँ क्या है कैल्शियम, यहाँ को यहाँ पर क्रोमियम, ये सेंटर आइटम ये है। बी जो है यहाँ लिगेंड है, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड वो है जो कि आपको लिगेंड एक प्रकार के बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब जो भी अभी सेंटर आइटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ईएन जो है एथिलीन डाई एमीन, ये मतलब एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन जो बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट लिगेंड, मतलब क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब कि उसके पास केवल एक ही साइट होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास एक ही साइट है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन अगर एथिलीन डाई एमीन की बात करें NH2, CH2, CH2, NH2, इसके पास दो साइड है, इधर भी लोन पेयर है इधर भी लोन पेयर है, इसके पास दो साइड है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर ए बी थ्री केस में अगर बाइडेंटेट लिगेंड होता है तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता, नहीं तो नहीं शो करता है। देखो इसमें ये बाइडेंटेट लिगेंड शो करेगा, इधर बाइडेंटेट लिगेंड ये भी शो करेगा, ये भी ऑक्सीलेट, ये भी बाइड, जैसे CO O-, CO O-, देखो इधर दो साइड है, इन्हों बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिगेंड, यहाँ पर सिंगल जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये नहीं शो कर पाए, इसका ऐसा मतलब क्या होगा थर्ड। ये आपको क्वाड्रेशन कंपाउंड बताया जाए पढ़ेंगे होंगे आप लोग कि कौन कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, कौन हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म शो करता है, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डी टू केमिकल सीरीज, ये भी क्वेश्चन जो है क्वाड्रेशन कंपाउंड का है ऑफ द कॉमन लिगेंड, कॉमन लिगेंड यफ
HCl माइनस H2O NH2। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये चारों लिगेंड का ऑर्डर कैसे होगा? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, उसमें क्या होता है, लिगेंड को हम एक उनकी स्ट्रॉन्ग उनके स्पिन लो है या हाई स्पिन है, स्पिन क्या होता है, जितनी जिसकी स्पिन लो होगी वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते उतना अच्छा लिगेंड होगा। तो उसका ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, इन्होंने पूछा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको ऑर्डर करेंगे तो कैसे ऑर्डर करेंगे, मतलब जो जितना अच्छा लिगेंड होगा उसका ऑर्डर वैसे होगा। जैसे सबसे खराब लिगेंड इसमें कौन है, यफ तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि यफ सबसे छोटा है, वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब यफ सबसे कम होगा। इसके बाद H2O, फिर इसके बाद NH3, फिर इसके बाद HCl, सबसे अच्छा लिगेंड इसमें ये है, इसके बाद ये नहीं है। तो आप इसे यही आर्डर कर गया होगा इस पर, तो केमिकल सीरीज के जाते ऑर्डर से इसे तैयार करना था, तो ये आपका ऑप्शन जिसमें ये ऑप्शन होगा वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तो किस कंपाउंड से पूछा जा रहा है, कोई ज्यादा पानी नहीं रेडियो होती है, कोई चाप तो फॉलो नहीं, इस रेडियो एक्टिव क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में फ्री अल्फा बीटा गामा रेडियो में अपने एड्रेस निकालते रहते हैं। पहला ऑप्शन दिए है प्रोटियम, दूसरा ऑप्शन ड्यूट्रियम, थर्ड ऑप्शन ट्राइटियम, फोर्थ ऑप्शन जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये सब हाइड्रोजन गैस, अगर आपने नोटिस किया होगा ये सब जो है हाइड्रोजन गैस होते हैं। प्रोटियम क्या होता है, 1H1, और ड्यूटेरियम क्या होता है, 1H2, ट्राइटेरियम क्या होता है, 1H3, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2। तो पूछा है इसमें कौन रेडियोएक्टिव है, तो हाइड्रोजन का जो ट्राइटेरियम आइसोटोप होता है वो रेडियोएक्टिव होता है, मतलब उसने अपने अंदर से अल्फा बीटा का रेंज निकालता है। तो हो गया ये थर्ड सिंपल क्वेश्चन था, ये सेकंड का क्वेश्चन था। अब आप आइसोटोप जानती होंगी, आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास डिफरेंस हो, जैसे 1H1 या 1H2 या 1H3, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो क्या क्या दिया है, NO2 दिया गया है, NO2 माइनस दिया गया है, NO2 प्लस दिया गया है, NO3 माइनस दिया गया है। अब मुझे सबसे पहले मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो बॉन्ड एंगल आपको अगर हाइड्रेशन डिफरेंट वहां से तो आप पता कर सकते हैं, मतलब जिसका हाइड्रेशन के हिसाब से आपको बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं। अगर हाइड्रेशन दोनों का सेम हो तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होता है, उसके लिए आपको बॉन्ड एंगल लगभग से या अगर थोड़ा बहुत याद हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं तो आपको पता अगर समझ में आए कि लोन पेयर आने से कैसा बॉन्ड एंगल बढ़ता है घटता है तो आप ज़्यादा बेटर करेंगे। अब तो कहते हैं इन तीनों को याद करें सबसे बेटर, जैसे NO2 प्लस का कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि इसका सेम लीनियर होता है, जिसका लीनियर होता है उसका बॉन्ड एंगल 180। NO2 जो होता है 136 होता है, और NO2 माइनस का जो होता है 180 होता है, और इसका 120 के आसपास होता है। तो सबसे ज़्यादा इसका पूछा है, सबसे ज़्यादा लिखा है, तो मतलब NO2 प्लस, तो आप सीधे लगा देंगे। और वैसे भी अगर आप तीनों निकालेंगे तो सब इसका जो सेम लीनियर आएगा, इसका भी लीनियर, पर इनमें लोन पेयर का लोचा आ जाएगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा।
तो इसका ऑप्शन होगा NO2+। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वार्टेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है, क्वार्टेशन कंपाउंड थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग, इन तीनों चैप्टर मिला के लगभग 25 क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब ये तीन चैप्टर जो है लगभग 15-20 क्वेश्चन का अप्रॉक्स रखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ऐसे इन्होंने लिखा है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्वार्टेशन नंबर 6 होना चाहिए, बिथामोनिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया हमें कि कोबाल्ट जो थर्ड क्लोराइड है वो अमोनिया के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इन्होंने ये हमें नॉलेज दिया, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव क्लोराइड आयन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट कह रहे हैं। अब जो चार ऑप्शन भी दे दिया है, पहला ऑप्शन COCl3 4NH3, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन COCl3 5NH3 और तीसरा ऑप्शन COCl3 6NH3, फोर्थ ऑप्शन COCl3। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब इसका जो क्वार्टेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो ठीक है इस केस में क्वार्टेशन नंबर कितना है, 4-3-7 है, इस केस में 5-3-8, इसमें 6-3-9, लेकिन इन्होंने क्या कहा है सिर्फ हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब हमें क्वार्टेशन नंबर कितना करना है, हमेशा 6 ही करना है, ऐसा नहीं हमें क्वेश्चन में पहले हमें मेंशन कर दिया है कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्टाहेड्रल ही कॉम्प्लेक्स आता है, तो ठीक है इसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा CO NH3 का होल 4 Cl2 Cl, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस केस में, पहले वाले केस में, इस वाले केस में बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CO NH3 का होल 5 Cl, सबका हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब क्वार्टेशन नंबर 6 करना है Cl2, ये हो गया, इसमें क्या होगा CO NH3 का होल 6, इसके बाद Cl3। अभी इस केस में बनाया है लास्ट वाले केस में CO NH3 का होल 5 Cl, तो हाँ अब पूछे कौन किसमें से, अब सब किन सब जो बने हैं हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये वाला तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो हो गया, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो अब पूछे इन सबके रिएक्शन हम करवा दिए किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, अब सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो सब कौन ऐसा है जो रिएक्शन करके रिएक्शन नहीं करेगा, जो रिएक्शन नहीं करेगा वो क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, ये इसके पास एक सीएल है बाहर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के सीएल थोड़ी बाहर जाएगी रिएक्शन करने, इसके पास एक सीएल है तो ये रिएक्ट कर लेगा, इसके पास दो सीएल है क्योंकि इसके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया, दो सीएल बाहर है ये रिएक्शन कर लेंगे, इसी केस में 3 सीएल बाहर ये रिएक्शन करेंगे, पर इसके केस में देखो ऑक्टाहेड्रल केस में कॉम्प्लेक्स बनने में सीएल का यूज हो चुका है, मतलब ये भी सीएल नहीं है जो आप जाके बाहर रिएक्शन कर ले, तो मतलब यही जो है
CO3 जो है इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा सोचना था, क्वेश्चन आसान था आपको इसमें पहले बात हो, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हैं इसमें आपका आएगा कॉम्प्लेक्स बनाया तो आप आसान कर जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है K2Cr2O7 रिएक्ट करता है SO2 से, जब वो भी H5 K2Cr2 तो पूछे H5 K2Cr2 सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो बनाता है K2SO4 का होल थ्राइस प्लस, तो हमें मेन मकसद था यही, इन्होंने एक ऑप्शन ये मेंशन किया जिसमें और इन्होंने लिख दिया CrTSO4 थ्राइस इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है, जिस ऑप्शन में लिखा है एक ऑप्शन लिखा है CrTSO4 का होल थ्राइस जो ग्रीन कलर बनता है तो वही ऑप्शन सही होता है, क्योंकि इसके रिएक्शन करने पर क्रोमियम सल्फेट बनता है जो ग्रीन कलर का होता है। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सारा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं पर आप समझ सकते हैं, 5 पेपर है। पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइडिंग एंथैल्पी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, मतलब जो एसिड ना तो एसिड हो ना तो बेस हो, जो ऑक्साइड हो जो ऑक्साइड हो ना तो एसिड हो ना तो बेस हो, वो बीच में हो, दोनों बिहेवियर लगभग शो करते हो। पहला ऑप्शन क्या दिया है CO2, दूसरा ऑप्शन CaO, थर्ड ऑप्शन टिन ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन सिल्का ऑक्साइड। तो CO2 जो होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेसिक ऑक्साइड होता है, टिन ऑक्साइड और SiO2 सिल्का ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, देखो इतने सारे मतलब जिनके ऑक्साइड होंगे सबसे आसान से बोलता है मोस्टली इतने एटम के आपको जितने अगर आपको दिख जाए इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, अगर आपने अलग अलग याद रख लीजिए बोरान जिंक एल्यूमिनियम सिल्का आर्सेनिक एंटीमनी एंटी इनके लगभग ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, तो आप इनके याद रखें इसके बाद आप पता कर जाएगा जिनके भी ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, आप सिंपल इनको याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ये एस ब्लॉक से पूछा गया है, इसमें क्या है कि इसमें सही गलत पूछा है, चार ऑप्शन लिखा है पूछे इसमें कौन सही है कौन गलत है। पहला ऑप्शन लिखा है NaAsCO3 को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, इन्होंने ये पहला लिखा है। दूसरा क्या लिखा है, इन्होंने लिखा मैं टर्म में प्योर सोडियम डिजॉल्व मतलब घोला जाता है इन लिक्विड अमोनिया, ये ब्लू सोल्यूशन, ये
दूसरा ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन क्या है, NaOH एडिट करता है SiO2 से बनाता क्या है सोडियम सल्फेट CU8। अगला ऑप्शन क्या है, AlCl3 रिएक्ट विद एक्सेस, ये टर्म आपको पकड़ना है एक्सेस कहा है NaOH फॉर्म एयर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको बताना है ये चार में से कौन सा लॉग है, ठीक है। ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रिएक्ट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये बात सही है। सोडियम को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें ग्लूकोस से मिलता है, हाँ सही बात है, क्योंकि यहाँ पर एक जब हमें आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर एक पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन बनता है जिससे कलर ब्लू होता है, जब उसे हम हीट कर देते हैं तो उसका कलर ब्राउन कलर होता है, ये भी बात सही है। फिर हमने कहा NaOH SiO2 से रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट बनाता है, बात सही है। NaOH जो सोडियम सल्फेट से मतलब सल्फेट से रिएक्शन करेगा सिलिका से तो सोडियम सल्फेट बनाता है। इन्होंने क्या किया है AlCl3 रिएक्ट NaOH, अगर इन्होंने कहा था NaOH बनाता तो बात सही है कि AlCl3 NaOH साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं था, एक्सेप्ट नहीं करने के बाद वो सोडियम बीटा एल्यूमिनेट बना देता है, इसलिए ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। इसमें आपको फॉल्स बताना था बस। इन्होंने पूछा है पीएच ऑफ बोरेस, इन्होंने एक ऑप्शन लिख दिया है, ऑप्शन जैसे ग्रेटर देन सेवन, लेस देन सेवन या फिर सेवन या फिर कांट प्रेडिक्ट, मतलब सात से ज्यादा हो सकता है, सात से कम हो सकता है, या फिर सात हो सकता है, या फिर बता ही नहीं जा सकता। बोरेस क्या होता है, बोरेस क्या होता है, इसका सबसे पहले फॉर्मूला पता हो फिर आप कर सकते हैं। बोरेस का फॉर्मूला क्या होता है, Na2 B4 O7 into 10H2O, ये होता है बोरेस का फॉर्मूला। फिर हमें पता है ये सोल्यूशन कैसा होगा, इसके लिए हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बने जाएगा NaOH, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा NaOH प्लस बोरेक्स, बी से बनेगा बोरिक एसिड एच थ्री बी ओ थ्री, पहले को हमें बेस बनाना दूसरे को एसिड बनाना है, तो एच थ्री और बी ओ थ्री मतलब बहुत वीक एसिड है और एन ए जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर बात है इसका जो पी एच होगा मतलब सात से ज़्यादा होगा, मतलब पहला ऑप्शन, क्योंकि जो एसिड होते हैं उनका पी एच जो होता है सात से कम होता है और जो बेस होते हैं उनका पी एच सात से ज़्यादा होता है, और जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है जैसे कि H2O हो गया, NO हो गया, N2O हो गया या फिर CO2 हो गया, इनका जो इन सब का जो होता है जो pH होता है सात होता है, क्योंकि ये सब न्यूट्रल है, इसमें आपको बस ये बताना है कि हाइड्रोजन का पता करना है इसका बेस हो एसिडिक नेचर हो या बेसिक नेचर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर CO पूछा है, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो प्लस वन हो गया मतलब हम यहाँ से हटा के प्लस वन यहाँ लिख सकते हैं, तो CO का यस मानेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है इसलिए इसका जीरो होता है, तो प्लस जीरो बराबर प्लस वन,
तो मतलब ये हुआ प्लस वन, सॉरी एन, सॉरी यहाँ प्लस एन के का प्लस वन जाएगा तो उधर साइड जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, टेक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि जैसे इधर हम पाँच इधर आप समझ रहे, जैसे इधर मैं इसका प्लस वन रखता हूँ, प्लस वन प्लस वन प्लस एक्स प्लस जीरो बराबर जीरो, तो इधर एक्स बराबर प्लस वन जाएगा माइनस वन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन, जिस ऑप्शन माइनस होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सवाल का ये हाइपोथेटिकल है, वैसे मेटल का ऑप्शन में कभी माइनस नहीं जाना है, तो इन्होंने हाफ्टी का हाइपोथेटिकल कंपेयर होना है, इसके बाद उन्होंने इसका पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने ऑर्गेनिक से कुछ क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने पूछा है बेंजन डिहाइड जो है बेंजाइल कोएंजाइम हो जाता है, बेंजन डिहाइड क्या फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेंजन डिहाइड फॉर्मूला, कह रहे हैं बेंजन डिहाइड जो कन्वर्ट हो जाता है बेंजाइल कोएंजाइम होता है, C6H5CH2OH हो गया बेंजाइल कोएंजाइम में, तो इन्होंने कहा ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद इन्होंने चार रिएक्शन नाम दे दिया है कि ये चार रिएक्शन कौन ऐसे रिएक्शन है जिसके थ्रू बेंजल डिहाइड बेंजाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। पहला रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, दूसरा पार्किन रिएक्शन, तीसरा कैनिजाओ रिएक्शन, चौथा क्या है कोलबे रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन। तो अगर बेंजल डिहाइड जो होता है एल्डोल रिएक्शन कभी देता नहीं, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, एल्डोल रिएक्शन में वो होता है कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देखते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, बेंजल डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इसको कुछ, तो मतलब एल्डोल रिएक्शन होने वाला नहीं है, गलत हो गया। हाँ पल्किन रिएक्शन में बेंजल डिहाइड, अगर बेंजल डिहाइड पल्किन रिएक्शन करता है, पल्किन रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाता है, अगर बेंजल डिहाइड का हम पल्किन रिएक्शन करवाते हैं, मैं कहीं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि इनका टाइम है नहीं, अगर ये बनाते हैं करवाते हैं पल्किन रिएक्शन तो बन जाता है CH सिनेमिक एसिड, तो अगर बेंजल डिहाइड का हम पल्किन रिएक्शन करते हैं सिनेमिक एसिड बन जाता है। कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, हमें हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इसका यूज होता है, होते कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसे कॉन्सेप्टेड एनए ओएच के साथ रिएक्शन करा देते हैं, एनए ओएच साथ रिएक्शन कराते हैं, कोई कॉन्सेप्टेड मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस साथ रिएक्शन करवा देंगे तो प्रोटॉन बनाता है और एसिड बनाता है। यही होता है सरकार पार्टी देख का मतलब कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है इसका मैकेनिज्म तो आपको बताया नहीं था, फिर कभी टाइम हो जाएगा। तो इसमें कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसमें एक 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 ऑक्सीडेशन होता है, एक रिएक्शन होता है, पर इसमें एक ही चीज़ है, तो एक बार बेंजल डिहाइड का रिएक्शन होगा, एक बार बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन होकर एल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। पूछा है कि केमेंडम पोर को कौन डीकोलराइज करेगा, केमेंडम पोर को डीकोलराइज कौन करेगा मतलब कलरलेस कौन कर देगा, ये पूछे हैं। तो केमेंडम पोर मतलब केमेंडम पोर जो होता है एल्किन के साथ रिएक्शन करता है, कोई जहां पर कोई एल्किन होगा वहां उसे डीकोलराइज कर पाएगा, इन्होंने चार ऑप्शन दिया है, मेथेन दिया है, ये तो एल्केन है ये तो होना नहीं है, दूसरा ऑप्शन क्या है C2H6, ये एथेन है ये भी एल्केन है इसमें भी नहीं होना है, थर्ड ऑप्शन क्या है मतलब C2H4 मतलब एथिलीन है, डाइवर डबल पार्ट है इसी को डीकोलराइज कर पाएगा, चौथा ऑप्शन क्या दिया है C3 ये भी एल्केन है, मतलब सबने सबको एल्केन किया केवल एक जो है एल्केन है, एल्कीन हमेशा डीकोलराइज करते हैं केवल लोग, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होने वाला है। ये तो पूछा एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से था कि एल्कीन के एल्कीन का टेस्ट केमेंडम फोर का जो यूज करते हैं हम एल्कीन के टेस्ट के यूज करते हैं, काफी क्वेश्चन काफी सिंपल है आपको याद है बस एक चीज लगेगा,
अगला क्वेश्चन क्या है, मेथिल कीटोन इज कैरेक्टरिस्टिक, पूछे हैं मेथिल कीटोन CH3CO CH3, इधर हो गया कीटोन, ये हो गया मेथिल, उन्हें स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आपको कैमरा से स्ट्रक्चर को हमने बनाया, इसे इन्होंने निकाल मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन पहला लिखे हैं। ऑप्शन क्या दिए, टॉलर एजेंट, टॉलर रिएजेंट, ऑप्शन बी क्या लिखे हैं, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, थर्ड क्या लिखे हैं, शिफ्ट टेस्ट, चौथा ब्रोमीन टेस्ट। अब पूछे हैं मेथिल, कोई मेथिल कीटोन है उसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे कुछ क्या करें जिससे हमें पता चला कि ये हमारा जो है मेथिल कीटोन, चार टाइप के टेस्ट इन्होंने दे दिया है, टॉलिन टेस्ट कर सकते हो, सिप टेस्ट कर सकते हो, या ब्रोमीन टेस्ट या फिर हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो। तो सिंपल तरीका है, आप क्या करिए, टॉलिन एजेंट जो होता है, कभी टॉलरेंस एजेंट और या फेरस एजेंट जो होते हैं, टॉलरेंस एजेंट क्या होता है, Ag2O, इसी को टॉलरेंस एजेंट कहते हैं, और Cu को फेरस एजेंट कहते हैं, और ब्रोमीन टेस्ट ये तो फेरस एजेंट होता है। तो टॉलरेंस एजेंट जो होता है कभी भी कीटोन से रिएक्ट नहीं करता है, वो हमेशा एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। हमने यहाँ कीटोन की बात किया है, तो कीटोन अगर हाइड्रोफॉर्म देखें, हाइड्रोफॉर्म हर वो मेथिल कीटोन, जो भी मेथिल कीटोन होगा वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट होगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट मतलब वो हाइड्रोफॉर्म बनाएगा, मतलब पर्पल कलर का पेस्पेट देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। अगला क्वेश्चन मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि काफी पूछा है क्लीवेंसर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूस, एल्डिहाइड एंड अच्छा लिख दे रहे हैं, एल्डिहाइड को लिखे RCHO अथवा RCOR, कोई एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो उसका क्लीवेंसर रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। अब सबसे पहले आपको पता है क्लीवेंसर रिडक्शन क्या होता है, क्लीवेंसर रिएक्शन क्या होता है, ZN HG कॉन्सेंट्रेट HCl करते हैं, तो ये किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को इन्होंने एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको कर देंगे RCH3 में कर देंगे, इसे कर देंगे RCH2CH3 मतलब R। तो ये सिंपल है कि कभी भी क्लीवेंसर रिएक्शन होगा तो एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑप्शन में क्या दिया, एल्केन, एल्कीन, टर्सियरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, तो ऑप्शन क्या होता है, एल्कोहल। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या किया है, उन्होंने रिएक्शन एक रिएक्शन लिखे हैं C6H6+CH3Cl gives off anhydrous AlCl3 gives off टार, इन्होंने टार बनाए हैं प्लस HCl, पूछ लेंगे इस रिएक्शन में क्या नाम है, तो सिंपल सा आपको नेविगेशन सारे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 10 से 15 नेविगेशन है, नेविगेशन को आपको याद रखना, उसमें कुछ नहीं किया जाता। तो ये फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, देखो फिडल क्राफ्ट के दो रिएक्शन होते हैं, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन, ये एल्काइलेशन है, अगर यहीं CH3COCl कर दें कोई ऑयल प्रोवाइड कर दें तो उसे एसाइलेशन कहते हैं, इसका जो प्रोडक्ट बनता है हमें, अगर हम एल्कीन एरोमेटिक कर रहे हैं तो हमें कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा, अगर एलिफैटिक कर रहे हैं तो एलिफैटिक, एरोमेटिक क्या होता है, जिसमें जो बेंजीन रिंग के साथ उसे एरोमेटिक कहते हैं, तो यहाँ पर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसे हम टार्बिन कहते हैं, क्या टार्बिन, बस आपको नेविगेशन में सीधे इन्होंने नेम पूछा क्या नियम है, जिसे हम क्या कहते हैं फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आपसे नाम पूछा था, आप देखिए सीधे गलत करके निकल देंगे। इन्होंने अगला क्वेश्चन क्या कहा है, फिनोल जो है फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन को क्या नाम कहते, इस रिएक्शन को क्या नाम देते, देखो दूसरा दो रिएक्शन नाम के रिएक्शन पूछ चुके हैं, इनका नाम क्या है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, कोल्बी रिएक्शन पहला ऑप्शन, कोल्बी रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन का, ये काम होता है, मतलब कोई मतलब नहीं,
दूसरा ऑप्शन गाटर नेविगेशन, गाटर इसका भी कोई काम नहीं क्योंकि इससे कार्बन कम बढ़ जाते हैं। सॉरी अभी हमें इसमें बताना प्रोडक्शन है, हमें ये नहीं बताना क्या प्रोडक्ट बनता है। चौथा थर्ड ऑप्शन हाई रिएक्शन, प्राइज रिएक्शन। चौथा ऑप्शन लीडर मानसो रिएक्शन, लीडर मैनवास। देखो जब हम जब पॉलीमर पढ़ते हैं तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बैकेलाइड बनाते हैं। बैकेलाइड में जब एक बैकेलाइड बनाने के लिए फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन यूज करते हैं। बैकेलाइड क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीमर होता है जिसका यूज हम ब्लड फूप जाके बनाने यूज करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ब्लड फूप जाके यूज करते हैं। तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से अगर बैकेलाइड बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं लीडर मानसो रिएक्शन। रिएक्शन में आपको क्या करना है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसे आपको याद करना ही करना है, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि नेमिंग रिएक्शन में उसमें कुछ खास कर नहीं सकते। अगला क्वेश्चन क्या है, आप हमें हाँ हम नहीं कर सकते एक वीडियो जितने सारे नेमिंग रिएक्शन है उस पर हम जितने एक वीडियो बना सकते हैं आप एक काम, लेकिन आपको सारे रिएक्शन खुद से याद कर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा ग्लूकोज आइसोमर से क्वेश्चन आया है, ग्लूकोज ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज फ्रैक्टोज आर। इसका क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज फ्रैक्टोज हैं। पहला ऑप्शन टाटोमर हैं, ये आइसोमर के टाइप है टाटोमर। सेकंड चेन आइसोमर। थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल। और फोर्थ फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर तो टॉटमर वो होते हैं जिसमें इनॉल टाइप का, जैसे कीटो इनॉल टाइप का रिएक्शन होता है, तो इसे इसका होना नहीं है। चेन आइसोमर मतलब ओपन चेन में चेन इंक्रीज करती जाए। ग्लूकोज फैक्टर जब चैन फिक्स है, इनमें छः कार्बन है, इनका चैन में कोई कुछ नहीं है। जैसे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, ये एल्की में सुपर था जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी रिस्ट्रिक्शन हो। हाँ पर फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, अगर हम ग्लूकोज में देखें, ग्लूकोज में फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, जबकि फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। लेकिन कार्बन कितना है, छः दोनों में। तो हम हाँ इसे कह सकते हैं कि ये जो है फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है और फिर भी इनके नंबर ऑफ कार्बन एटॉमिक वेट सब कुछ सेम, एटॉमिक भार सेम है, तो इसलिए ये जो है फंक्शनल आइसोमर है ग्रुप में। सिंपल इसमें आप सीरियल आपको ये लेना फंक्शनल ग्रुप डिफर है बस, इसलिए फंक्शनल आइसोमर है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा है, इसमें जो पूछा है चार ऑप्शन दिया, पूछा कौन एरोमेटिक है, बहुत ज़्यादा फालतू की एरोमेटिक कौन है। तो एरोमेटिक के लिए आपको क्या करना होता है, हकर रूप पता होना चाहिए। इवन क्या है एरोमेटिक पूछा है कि जो एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक के लिए क्या है, आकर रूप है, आकर रूप क्या होता है। पहली बात तो कंपाउंड जो होता है रिंग में होना चाहिए, चलो रिंग्स में सारे इससे कोई डिफर नहीं कर सकते हैं। दूसरा रूप क्या है कि जो सारा होना चाहिए एस पी टू हाफ डाइज होना चाहिए, चलो ये भी एस पी टू हाफ डाइज, एस पी टू हाफ डाइज ये भी, तो मतलब ये भी नहीं हम कर पाएंगे। अब थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप क्या होता है कि अगर एरोमेटिक है तो 4N+2 रूल फॉलो करना चाहिए। 4N+2 रूल क्या होता है, यह मतलब अगर हम एक रखते हैं, यह मान लो मतलब एक रखते हैं सपोज, तो नहीं जीरो शुरू करते हैं, जीरो रखते हैं,
तो हमारा पहली बार दो आएगा, तो दो अगर बराबर एक रखते हैं तो छः आता है, अगर बराबर दो रखते हैं तो दस आता है, फिर फोर्टीन आता है, ऐसे 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 पढ़ता जाएगा। तो कहने से ये है, अगर आपके अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं सीधे, आप एक काम ये सब फॉर्मूला भूल जाइए, अगर आप ये सीधे याद रखें तो दो छः चार ऐड करते जाइए, दो से चार ऐड करिए छः, चार में चार छः में चार ऐड करिए दस, दस में चार ऐड करिए फोर्टीन, अगर चार ऐड करते हैं दो से आप स्टार्ट करिए चार ऐड करते जाइए, अगर उनके इलेक्ट्रॉन मैच कर रहे हैं मतलब ये ऑटोमेटिक है, अगर नहीं है आप कुछ भी मत देखिए, सिर्फ बस यही देखिए आप यही दो दो छः दस फोर्टीन के बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ आया, चार चार इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नहीं हो रहा है खत्म। दूसरा इसमें क्या, दो दो चार दो छः, यहाँ एक पाई, यहाँ पर एक पाई, यहाँ पर एक पाई, मतलब छः इलेक्ट्रॉन है, हमारा ऑप्शन ये होगा। अब इसमें क्या है, यहाँ प्लस चार प्लस चार मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, मतलब यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी चार, यहाँ माइनस चार है, यहाँ पर भी चार इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यही हो गया सीट पर सीधे आपकी माइनस रहेंगे छः इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक के लिए कई क्राइटेरिया होते हैं, पर जो एग्जाम्पल आपको देगा उसमें ये सब क्राइटेरिया फिल के बस ये फोर एन प्लस टू रूल क्राइटेरिया फिल नहीं करेगा। इसके लिए आप सीधे देखिए, एरोमेटिक के लिए आप दो छः दस फोर्टीन इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो एरोमेटिक है, नहीं तो नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन से कम ज़्यादा आ रहे हैं मतलब नहीं है, आप दो में चार ऐड करते जाइए। अगला क्वेश्चन है प्रोपाइन, प्रोपाइन में स्ट्रक्चर भी आपको बनाना पड़ेगा। बीएचटू के जितने भी इंटरेस्ट होते हैं उसमें क्या करते हैं, पहला काम वो स्ट्रक्चर आपको कभी नहीं देंगे, हमेशा वो आपको नेम देंगे, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। प्रोपाइन पूछा है, प्रोपाइन में कितने सिग्मा कितना पाई बांड है, तो सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा कर दीजिए। सिग्मा पाई बांड कैसे होंगे, जितने नंबर आप यच होंगे उतने सिग्मा बांड होंगे, एक दो तीन चार, इधर चार सिग्मा बांड इधर होंगे, कार्बन कार्बन में सिंगल सिंगल बांड आएगा वहाँ एक सिग्मा, पांच इधर हो गया, इसके बाद पांच सिग्मा हो गए, जहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड होता है वहाँ दो पाई एक सिग्मा होता है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड है तो दो पाई एक सिग्मा, अगर कार्बन कार्बन डबल बांड है तो एक पाई एक सिग्मा, एक सिग्मा, अगर सिंगल बांड है तो केवल सिग्मा, तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास पांच सिग्मा पहले से है, एक सिग्मा यहाँ से मिल जाएगा छः सिग्मा और दो पाई, तो मतलब जिस ऑप्शन में होगा दो पाई छः सिग्मा वही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था आपको सीधे आप स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बस एक सिग्मा काम था, उसका आंसर क्या होगा छः सिग्मा दो पाई, टू पाई में छः सिग्मा दो पाई। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कह रहे हैं कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो मैंने पहले कार्बन कार्बन डबल बांड लिए अराउंड जो हो, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बांड हो गया, इसके अलावा ए एंड बी, ए एंड बी, अगर कार्बन कार्बन डबल बांड के अराउंड जो ए एंड बी जो है एक दूसरे, यहाँ ए कोई अलग है बी कोई अलग है, मतलब यहाँ अगर जैसे सी एच थ्री हो तो यहाँ सी टू एच फाइव होगा, सी एच थ्री सी एच थ्री रहेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, इसलिए मैंने सी एच थ्री फिर यहाँ ए बी मतलब ए दूसरा है बी कोई दूसरा है, तो वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जो कार्बन कार्बन डबल बांड के अराउंड जो दोनों फंक्शनल ग्रुप हो डिफर हो, जैसे वन पेंटिंग, वन पेंटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बांड सी एच टू, इस केस में मान लो हम मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नीचे शो करता है नहीं करता है, तो एक काम करते हैं सी कार्बन डबल बांड के अराउंड हमें देखना है, एक हम इधर कर देते हैं सी थ्री एच सेवन एक एच इधर दोनों डिफर कर गए, चलो ठीक है, इस बार देखो इधर कार्बन दोनों एच, देखो मैंने क्या कहा था यहाँ ए हमें चाहिए यहाँ पर बी हमें चाहिए, लेकिन दोनों जगह एच एच है मतलब सेम है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ऐसे आपको नोटिस करना है, इसी बात को नोटिस करना है, इस कार्बन के अलावा जो दोनों इधर इधर सेम हो सकते कोई मतलब नहीं, पर इस साइड दोनों सेम नहीं होते, पर वन पेंटिंग केस में दोनों सेम है मतलब ये नहीं शो करेगा। अगला स्टेशन क्या है, इन्होंने क्या दिया है, टू पेंटिंग, चलो हम टू पेंटिंग देख लेते हैं, टू पेंटिंग स्ट्रक्चर
CH3 CH2 CH1 CH3। अब ये हो गया तो बैठे गया, आपको स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे फिर मजा नहीं आएगा। सबसे पहला काम स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, सी एक टर्म हम रखते हैं C2S5, एक टर्म रखते हैं H, फिर डबल बॉन्ड रखते हैं, फिर एक टर्म रखते हैं CH3, एक टर्म रखते हैं H। देखो यहाँ अगर ए मानते हैं, बी मानते हैं, ए मानते हैं, बी मानते हैं, डिफर कर रहे हैं, मतलब ये जीवित का आइसोलेशन शो करके। यही नोटिस करना सिंपल है, आप कॉल मार डबल बॉन्ड अरेंज करिए, देखिए ये भी डिफर है बस आइसोलेशन शो करेंगे, नहीं डिफर है बस नहीं शो करेंगे, तो मतलब ऑप्शन दूसरा ही होने वाला है। आगे क्या पढ़ने जरूरत है आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, बस आप कॉमन डबल बॉन्ड के देखिए बगल बगल जो फंक्शनल ग्रुप हो डिफर हो मतलब आइसोलेशन शो करेगा। बस आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाए उसके लिए आपको आईपीएससी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आइसोट्रोपिक एल्कोहल, फिर मैंने पहले कहा हमेशा स्ट्रक्चर जो कभी नहीं देते, हमेशा क्या हम लिखते हैं कॉमन नेम कभी दे देंगे, कभी उसका आईपीएससी नेम देंगे, स्ट्रक्चर तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। तो अब ऐसे ही तुमने आइसोट्रोपिक एल्कोहल, अब इसे आइसोट्रोपिक एल्कोहल कहते हैं, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो आइसोट्रोपिक एल्कोहल की उन्होंने क्या कहा है, एसिडिक डाइकोमेट, एसिडिक डाइकोमेट उपस्थिति में हीट क्या आता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब सीधे एक एक लाइन मतलब किसी भी सेकेंडरी एल्कोहल का अगर आप हीट करते हैं तो एक सिंपल है वो कीटोन, अगर प्राइमरी एल्कोहल को हीट करते हैं एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल का हीट करते हैं तो कीटोन, अगर टर्शियरी एल्कोहल का हीट करते हैं तो कोई मिक्सचर ऑफ एल्कीन बनेगा, तो यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल है मतलब कीटोन बनेगा CH3। तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा, इन्होंने ऑप्शन में क्या क्या दिया, एस्टर दिया है, एस्टिक एसिड, स्टोन एंड प्रोपेनिक एसिड, तो मतलब स्टोन हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल है बस आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है कोई ज्यादा फाइनल कंपाउंड को गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इन्होंने चार ऑप्शन दिया है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल C2H5OH, बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl, इन्होंने सिर्फ नाम दिया है फॉर्मूला का, और लास्ट ऑप्शन कहते हैं मेथिल क्लोराइड, तो पूछ रहे कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो प्राइमरी एल्कोहल में केवल एक ऐसी एल्कोहल ही है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और एल्डिहाइड केस में केवल एस्टरडिहाइड मैं ही दे रहा हूँ। देखो एल्कोहल केस में प्राइमरी एल्कोहल में केवल C2H5OH मतलब ऐसे एल्कोहल जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है इसे आप याद ही कर लीजिए, और एल्डिहाइड केस में केवल एस्टरडिहाइड है जो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और एसिड केस में केवल फॉर्मिक एसिड जो है ये टेस्ट देता है। ये हो गया एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल, अगर सेकेंडरी एल्कोहल में जो ग्रुप RCH, R यहाँ कुछ भी हो सकता है मतलब कोई बेंजीन हो सकता है या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, अगर कोई ऐसा R को ये हमें नोटिस करना है, अगर कोई सेकेंडरी एल्कोहल में ऐसा कोई रखता है वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और कीटोन में अगर कोई RCOCH3 अगर उसके पास ये ग्रुप है COCH3 मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर आप एक पांच याद रखें तो आइडोफॉर्म से कभी क्वेश्चन क्लियर नहीं होने वाला है। बस तो इसमें ये C2H5 हो जाएगा, बात करो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, उन्होंने पूछा है व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों हो, तो इन्होंने चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, फिनोल, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड एमिनो एसिड। तो सबको पता है कि एमिनो एसिड जो होते हैं ड्यूटेरॉन फॉर्म पाए जाते हैं क्योंकि उनमें एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे
एक मैं बना दे रहा हूँ, एक कोई नहीं है, सी एच एन एच टू सी ओ एच, देखो सी एच एन एच टू सी ओ एच, देखो इनमें एन एच टू ग्रुप भी है सी ओ एच ग्रुप भी है, तो फिर इसका मतलब कि ये एन एच थ्री प्लस बना सकते हैं सी ओ माइनस आते हैं, इन्हें प्लस माइनस चार्ज दोनों, इसलिए ऐसा कंपाउंड जिन्हें प्लस माइनस चार्ज दोनों वो जूटर आयन होते कहते हैं, तो क्या एक अमीनो एसिड होती है जो जूटर आयन फॉर्म में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आल्सो कॉल्ड एज, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और क्या कहते हैं, चार ऑप्शन दिया है एरिन ट्राइन एलॉक्सी ऑक्सो कंपाउंड, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन भी कहते हैं। बस ये थे हमारे बीएचयू बीएससी का मतलब पेपर, इसमें हमने 50 क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दिया, जिसमें क्वेश्चन में मैंने अपने तरफ सारा अच्छा की कोशिश किया है आपको समझाने में, और आप लोग भी शायद हेल्प मिलेगी अब 2020 पेपर में, पेपर ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा, ऐसे पैटर्न में रहेगा, सिंपल रहेगा, आपको क्या करना है ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, वही सिंपल क्वेश्चन ट्राई करो, जो लग जाए वही तुम्हें आएंगे, इसके अलावा फालतू क्वेश्चन नहीं ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम